फ्रेंड्स, आज हम सब नेहा दीदी के धावा बोल रहे हैं। तो मैं, दीदी अक्षत और सक्षम, हम सब नेहा दीदी के यहाँ धावा बोलने जा रहे हैं। दोस्तों, हम कैब का वेट कर रहे हैं कि कैब कब आए, और हम क्या है, इतने में क्या कर रही हूँ, अपनी नेल पेंट लगा रही हूँ। मेरे नेल पेंट नहीं लगे हुए थे, तो देखो सबके सब वेट ही कर रहे हैं कि कब कैब आए। और तो देखिए, हम सब है ना नेहा दीदी के धावा बोल रहे हैं। अब पता नहीं उनके पड़ोसी क्या कहेंगे कि सारा कुड़मुड़ आ गया और शोर मचा रहा है। तो अब हमारी कैब आ गई है, भाभी हर की आने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम कैब में बैठ गए हैं और फटाफट उनके घर पहुंच गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल घर होना में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त हूँ सूचि। तो फ्रेंड्स, हम नेहा दीदी के घर पहुँच गए हैं। पूरा हो हल्ला हो रहा है और अभी उनके पड़ोसी भी आने वाले हैं। ठीक हो या ना है नेहा दीदी? और ये है मौसी जी, सुनीता भाभी, दिव्या दीदी, शैली दीदी, पारुल भाभी, दीपाली भाभी। नेहा दीदी ने भी हमारे आने की पूरी तैयारी रखी है और हमारा स्वागत कर रखा है चाट से। तो फ्रेंड्स, हम खा रहे हैं चाट, और चाट इतनी टेस्टी है, और साथ के साथ जो ये पापड़ी है ये बहुत ही टेस्टी है, और ये बनाया है हमारी मौसी जी ने। बहुत ही अच्छी बनी है मौसी जी। बाजार की चाट भी हमने माफ कर रखी है, और दीदी ने ये गोलगप्पों का पानी भी मंगा रखा है, बना रखा है। और ये भी मौसी जी ने ही बना रखा है, उन्हें पता है कि उनकी बहू में कितनी चटोरी है, और सबसे चटोरी मैं हूँ। लोगों ने तंबोला खेलना शुरू कर दिया है, देख लिए पैसों का कलेक्शन हो रहा है। हम सभी लेडीज का तंबोला प्रिय गेम है, और हमें बड़ा मजा आता है तंबोला खेलने में। नेहा दीदी के घर भी हमने खूब मजे किए है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अंकुर जी से खूब मजाक कर रहे हैं, और अंकुर जी कह रहे हैं कि आपकी बहुत लकी है कि आपकी इतनी सालियाँ और भाविया है, पर सभी की सभी बड़ी है, कोई छोटी नहीं है। तो हमने यहाँ पर खूब इंजॉय किया, और तंबोला खेलते हुए तो आपको पता ही है कि लेडीज़ कितना इंजॉय करती है, और जब बोगी हो जाती है तो बहुत मज़े आते हैं। उसके बाद हमने एक राउंड बच्चों के साथ भी खेला है। पहले राउंड में हम केवल लेडीज़ थी, अगले राउंड में बच्चे थे। तो फिर उसके बाद हमारी पार्टी दोबारा शुरू हुई। उसमें नेहा दीदी ने बनाए थे छोले, कुलचे, कटलेट। ये देखिए, नेहा दीदी, रूपा और शैली दीदी, दिव्या दीदी बना रही हैं, और मैं व्लॉग बना रही हूँ आराम से। तो हम, ये नेहा दीदी की पूजा है जो उन्होंने बहुत ही सुंदर सजा रखी। आप देख ही सकते हैं कि कितनी सुंदर पूजा है उनकी। दोस्तों, ये मौसी जी, और ये इतनी होशियार है कि इनके बना हुआ पहचान नहीं सकते कि क्रोशे से बना हुआ है या बुनाई से बना हुआ है। इतने सफाई से बनाती है मौसी जी। की बगिया, आपने बहुत ही छोटा सी, छोटी सी जगह है, उसी में आपने लगाए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, चारों तरफ फूल ही फूल खिल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वेराइटी के फूल है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के फूल खिल रहे हैं। तो मौसी जी, आप इसका बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ, बस सुबह शाम आके सबसे पहले इनको ही देखना है। तो आप बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं इनका। मेरे लिए तो सबसे प्रिय और समय काटने का साधन है। देखिए फ्रेंड्स, मौसी जी इतने बच्चों की तरह ध्यान रखती है, तो इस पर भी फूल आ रहा है। मुझे इस पौधे का नाम तो नहीं पता है, ये वो है सेकुलेंट प्लांट। सेकुलेंट प्लांट्स, तो ये जो है इससे एक ही से, ये जो ऊपर लगे हुए हैं इनसे ही अच्छा गिर के पौधे डेवलप हो जाते हैं। और ये फ्रेंड्स देखिए, कितने छोटे छोटे गुलाब है, बटन रोज है ये। फ्रेंड्स, हमने खूब मस्ती की है, अब हम नेहा दीदी के घर से वापस अपने घर जा रहे हैं, और हमने आज बहुत इंजॉय किया। करा भाई अक्षत, खुल के बोल।